हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बोमबिल की चटनी की रेसिपी। बहुत यम रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बोमबिल निकाल लिए। तो बोमबिल के जो है वो इतने इतने यानी कि छोटे छोटे जो है वो टुकड़े कर लेंगे। फिर इसे हमें ऑयल में फ्राई भी करना है, तो पहले टुकड़े कर लेते हैं फिर इसे फ्राई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बोमले के जो है वो इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं। यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, तो अब बोमले को जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो फटाफट से जो है बोमले वगैरह फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आगे जो प्रोसेस करूँगी वो भी साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। यानी कि आज मैं आपको बोमले की चटनी की रेसिपी बताऊँगी कि मैं किस तरीके से जो है बोमले की चटनी बनाती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे बोमले। दो पार्ट में फ्राई करेंगे, थोड़े थोड़े मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से क्रंची हो जाए और जले भी ना। तो देखिए फ्रेंड्स, बुमले हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो पहले सारे बुमले फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है वो आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बुमले जो है हमारे सारे फ्राई अच्छे से हो चुके हैं। तो बस अब इसके इंग्रेडिएंट्स जो चटनी बनाएंगे वो यहाँ पे ले लिए हैं। यहाँ पे लहसुन, टमाटर, एक हरी मिर्च, थोड़ा सारा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक, बस इतना जो है मिक्सर जार में डाल के पीस लेना है और फिर ऑयल में चटनी डाल के ये बुमले जो डाल देंगे। तो चलो फटाफट से पहले इसे पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो अब इसे पीस लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो पानी थोड़ा सा डालिएगा, वरना ऐसे ही आप इसे पीस लेना। तो देखो फ्रेंड्स, चटनी जो है हमारी अच्छे से पीस चुकी है। तो बस अब ऑयल, थोड़ा सा ऑयल गर्म करेंगे और चटनी इसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और यहाँ पर जो हमारी चटनी है वो डाल देंगे। सारी चटनी जो है इसमें डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चटनी डाल दी है और अच्छे से इसे 3 से 4 मिनट के लिए हमें भून लेना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी चटनी देखो अच्छे से भून चुकी है। तो बस इसी स्टेज पे हमने जो बुमले फ्राई करके रखे वो भी डाल देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बस इसे 1 मिनट के लिए अब पका लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। हमारी बुमले की चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये फ्राई की और बुमले ना आप वैसे भी खा सकते हो बिना चटनी के, ये बहुत ही यम लगते हैं, एकदम से क्रंची। तो बस चटनी हमारी फ्रेंड्स हो गई है रेडी। अब इसे बाउल में जो है वो निकाल लेते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, बोमले की चटनी हमारी आपको कैसी लगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार ट्राई भी करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज की रेसिपी हमारी कैसी। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।